नमस्कार, मुँ रश्मि रेखा दास, वोकेशनल ट्रेनर ऑफ एग्रीकल्चर। आज टॉपिक होची चारा प्रतिरोपण बा ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग। प्रथम आम जानवा जे प्रतिरोपण क्या कहा जाए। नर्सरी चारा सज्जरु चारा उतारी एक स्थायी स्थान में लग जाए जो बढ़े और फसल अमल होता है। यही प्रक्रिया को प्रतिरोपण कहा जाए। सोलानासियस परिवा चाष प्रतिरोपणर प्रख्यात सह करिपारंती एवं द्वितीय थर मूल गठन करिवारे समर्थ होइथांती। तेणु एही सबकु सफलतार सह प्रतिरोपण करा जाय पारिबो। बिलाती बाइगण, बाइगण और लंका मंजी बुणिवार 4-5 सप्ताह मध्यरे प्रतिरोपण पाई प्रस्तुत होइजांती। प्रतिरोपण पाई चारा चयन सोलानासियस पनीपरिया फसल 4-5 सप्ताह 10-15 सेमी उच्चतार 4-5 पत्र थिबा चारा प्रतिरोपण पाई उपयुक्त। दुर्बल, लंबा, पतला एवं अधिक बढ़ी जाइथिबा चारा चयन करा जाए नाही। नर्सरी रे चारा सज्जारे अंकुरोद्गम हेबा पूर्वरु जलसेचन आवश्यक। प्रतिरोपण समय रे एक चारा सतेज और दृढ़ होइथिबा आवश्यक। सुस्थ चेर विशिष्ट होइथिबा आवश्यक। कीटपतंग पीड़क और रोगमुक्त होइथिबो। नर्सरी रे शक्त बा हार्डनिंग होइ जाइथिबा आवश्यक। प्रतिरोपण पाई अनुकूल परिवेश मेघुआ, थंडा और आर्द्र पागरे प्रतिरोपण करा जाए। खरा दिने चारा गुड़ी को रातिर अल्प तापमात्रा रे पुनरुद्धार करिबा पाई विलंबित अपराह्नरे प्रतिरोपण करा जाए थाए। प्रतिरोपणर कार्यविधि एक फसल पाई मुख्य क्षेत्र रे एक निर्दिष्ट दूरतारे खुरपी बा फावड़ा साहाज्यरे गात करा जाए थाए। प्रति गातरे गोटाए लेखाए चारा लगा जाए। तापरे एहारो चेरो को माटी रे भल भावरे ढांकी दिया जाए। सोलानासियस फसलर चारा गुड़ी को एक समतल सज्जारे हुड़ा पासरे प्रतिरोपण करा जाए। समतल भूमि रे लगा जिबा परे चेरो लागिबा परे हुड़ा एवं सियार प्रस्तुत करा जाए। प्रतिरोपण करिबा सांगे सांगे जलसेचन करिबा उचित। प्राथमिक अवस्था रे चारा गुड़ी को हुड़ा पासरे लगा जाए एवं परे चारा को हुड़ार मझी को आनिबा पाई माटी को ऊपर को करा जाए थाए। जहाँ हो ना कहीं कि उच्च सज्जा पद्धति लोकप्रिय होइछि। 15-20 सेमी उच्च एवं 1.2 मीटर असारर जेकोसी लंबर दैर्घ्य विशिष्ट सज्जा प्रस्तुत करा जाए। एही सज्जा गुड़िक नाड़ी बा बुंदा जलसेचित विशिष्ट होइथांती। जल सुरक्षा और अनावना घासर परिमाण कम करिबा पाई पॉलीथिन आच्छादन अन्य एक पद्धति। धाड़ी मध्यवर्ती स्थान को सुखिला रखी प्रतिरोपण करिबा पाई गछ धाड़ी रे जलसेचन देबा वांछनीय। एहा सियार एवं बुंदा जलसेचन द्वारा संभव किंतु छिंचन प्रक्रिया रे संभव नहे। माटी जदि बालिया किंबा बालिया दरसा होइथाय तेबे जमी रे 2-3 दिन पूर्वरु जलसेचन करा जाए। माटी कादुआ थिले प्रतिरोपणर 5-6 दिन पूर्वरु जलसेचन करा जाए। प्रतिरोपणर ठीक परे चारा गुड़ी को जमी रे भल भाबरे ठिया होई रहिबा पाई अल्प जलसेचन आवश्यक।